स्कैम जो कि हो रहा है हमारे साथ। चलो मैं आपको बताता हूँ आखिर ये स्कैम है क्या। तो देखो अभी कुछ टाइम पहले ये गेम का ट्रेलर आया था और मैं जिस गेम की बात कर रहा हूँ उस गेम का नाम है अमेरिकन सर्वाइवल। जब हमने इस गेम का ट्रेलर देखा था तो यार हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और इस गेम को एक टैग दे दिया था कि भाई ये हमारे लिए एक मसीहा है भाई, पैलवर्ल्ड जैसा चलो कुछ तो आया जो कि हम अपने मोबाइल के अंदर खेल पाएंगे। और तो ट्रेलर देख के हम लोग भी काफी ज्यादा वेट करने लगे इस गेम का कि भाई यार गेम जल्दी आ जाए। और तो डेवलपर्स ने भी भाई इस गेम की फुल हाइप बना के रखी, ट्रेलर के 1.5 महीने बाद इस गेम को लॉन्च किया और लॉन्च किया एक ऐसा गेम जो कि किसी को भी नहीं खेलना। सर ये तो टट्टी है। अब देखो ये स्कैम तो हमने जैसे तैसे झेल लिया, लेकिन एक ऐसा सिमिलर स्कैम हमारे साथ दोबारा होने जा रहा है और जिसके अंदर आप ऑलरेडी आ चुके हो। यूट्यूब पर काफी सारे बंदों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए। ये देखो ये गेम आने वाला है और इस गेम के ग्राफिक्स काफी ज्यादा तगड़े होने वाले हैं। 4GB रैम वाले मोबाइल के अंदर नहीं चलने वाला, इस गेम का साइज बहुत ज्यादा होगा, इस गेम की ग्राफिक्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये एकदम 3D गेम है, मजा आ जाएगा इस गेम को खेल के। ये देखो इस गेम का ट्रेलर वगैरह वगैरह, उनकी भी कोई गलती नहीं है, सिर्फ यार उन्होंने गेम का ट्रेलर देख के ही वीडियो बना दी। पर हाँ वीडियो बनाने से पहले थोड़ी सी उन्हें रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। बाकी गेम का ट्रेलर सच्ची में इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो आपका ब्रेन वॉश कर देगा और ट्रेलर देखने के बाद आप मुझसे कहोगे कि भाई पागल हो क्या, सच्ची में एक ऐसा गेम आने वाला है। लो देख लो भाई गेम का ट्रेलर। ये दो पल की खुशी है जो कि कुछ ही देर में एंड होने वाली है। क्या लगा भाई ये गेम सच्ची में आ रहा है? नहीं आ रहा, गेम तो आ रहा है बट यस इसके अंदर जो 3D एनिमेशंस दिखाए गए, जो आपको ग्राफिक्स दिखाया है, ग्राफिक्स के लेवल दिखाए हैं भाई, ये सब नहीं है इस गेम के। अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, ड्रैगन एज पैल्स एडवेंचर का जो ऑफिशियल पेज है वो है फेसबुक पर, जहाँ पर उनके 10K फॉलोअर्स। अब वहाँ पर भी उन्होंने इस गेम का ट्रेलर डाला और वहाँ पर अनाउंसमेंट की कि भाई गेम इस कंट्री में आ चुका है। वो कंट्रीज है सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और एडन कॉन्टिनेंट। अब एडन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है ब्राजील, जहाँ पर लैंग्वेज यूज होती है पोर्तुगीज। अब ब्राजील वाले बंदे ने अपने चैनल पर इस गेम का गेम प्ले अपलोड किया है, तो देखना चाहोगे? ये तो हो गया कि वहां पर गेम लॉन्च हुआ है इसलिए वहां का गेम प्ले है, बट हाँ ये गेम iOS वर्जन के लिए भी अवेलेबल है, तो आप YouTube पर जाकर iOS गेम प्ले इसका देख सकते हो कि गेम भाई ये है जो मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया है, वो नहीं है कि भाई जो आपने ट्रेलर के अंदर देखा। बाकी जो ट्रेलर इन्होंने अपलोड किया है YouTube पर भाई वो 37 सेकंड का है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे उस पर 2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं अभी तक, और 2 मिलियन व्यूज से उन्होंने आराम से भाई 60,000 रुपए तक कमा लिए यूट्यूब एडसेंस से। कैटेगरी गेमिंग ही है तो भाई मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कितने व्यूज पर भाई कितना पैसा मिलता है। बाकी यार मुझे लगा कि आप लोगों को एक बार एक वीडियो बनाकर बता देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भाई गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। आप लोगों को तो ये लग रहा है कि भाई एक ऐसा गेम आने वाला है सच्ची में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह का उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया है वो सिर्फ गेम की हाइप बनाने के लिए। अगर ये ट्रेलर रियल होता तो भाई मैं आपको सबसे पहले इसकी वीडियो बनाकर बता देता। बाकी यार कुछ और भी गेम्स अभी आए हैं प्ले स्टोर, लास्ट वर्ल्ड, अमेरिकन सर्वाइवल, ये गेम मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं आया भाई, जब मेरे को मजा नहीं आया इस गेम को खेलने में तो आपको क्या ही आता, इसलिए मैंने इसकी भी वीडियो नहीं बनाई। बाकी यार पैलवर्ल्ड मोबाइल से रिलेटेड मेरे को कोई अपडेट्स मिलते हैं भाई मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही गेमिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।